तो मैंने फाइनली विक्रम जी की फिल्म थंगलन देख ली है, जिसको डायरेक्ट किया था पीए रंजीत ने। और ये फिल्म सही में एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है। जहां ये फिल्म सेट है 19th सेंचुरी में कोलार गोल्ड फील्ड के ऊपर, वही सेम गोल्ड फील्ड जहां पर KGF सेट है। ये फिल्म एक फैंटेसी माइथोलॉजिकल काइंड ऑफ फिल्म है, जहां पे अगर इसकी स्टोरी सिंपली बोलूं ना, तो अगर आप कोलार में गोल्ड निकालने जाओगे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी झेलने पड़ेंगे। जहां पे अपने विक्रम जी का कैरेक्टर थंगलान ब्रिटिशर्स की हेल्प करता है वहां पर जाने के लिए और गोल्ड निकालने के लिए, एंड वहीं जो आरती और इसकी ट्राइब है वो उस गोल्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। अगर पहले इस फिल्म की पॉजिटिव बात करूं, तो पहले तो भाई इसकी पेसिंग, मूवी 2 घंटे 14 मिनट की है, बट इतनी फास्ट पेसिंग है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब इंटरवल आ गया इसका। एंड सेम फॉर द एंडिंग, मूवी बहुत ही एंगेजिंग है, मूवी बहुत ही एंटरटेनिंग है, और मूवी के फास्ट पेस होने की वजह से अपने अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी रखती है। एंड ना जिस तरीके से मूवी स्लेवरी के कॉन्सेप्ट को दिखाती है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक, इमोशनल, इम्पैक्टफुल लगता है देखने में। मूवी का रिप्रेजेंटेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड ना मूवी में जो विक्रम सर का कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को देखने में। एंड उनका जो उनकी वाइफ का रिलेशन दिखाया ना, जैसे उसको एस्टेब्लिश किया है, वो बहुत ही ज्यादा नेचुरलिस्टिक लगता है देखने में। लाइक लिटरली मूवी का सबसे बेस्ट एस्पेक्ट ही विक्रम सर है, उन्होंने पूरी फिल्म को भाई अपने कंधे पे उठा रखा है। मूवी तो भाई आधी इंटेंसिव इनके कैरेक्टर को लेकर हो जाती है। वही अगर मूवी के सिर्फ फर्स्ट हाफ की बात करूँ ना, तो वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत इंटेंसिव, सस्पेंसफुल है, थ्रिलिंग है, वो बिल्कुल मतलब एक दी बेस्ट है। बट अगर मूवी के वही नेगेटिव की बात करूँ, तो पहले तो VFX आता है मूवी का, वो बस ठीक ठाक ही है, काम चलाओ। और सेकंड हाफ में मुझे कई प्रॉब्लम दिखे हैं, फ्लॉस दिखे हैं। लाइक फर्स्ट हाफ मूवी का बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया है, बट सेकंड हाफ उस लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता है। एंड आपको फील हो जाएगा कि ये उस लेवल को मैच नहीं कर पा रहा है। एंड दूसरा जो आरती का कैरेक्टर है, उनका रोल मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट था, बट उनको उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी उतना अच्छा नहीं है। सो आई थिंक कि उनको और टाइम देना चाहिए था फिल्म में, तो वो ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। मूवी में एक क्लाइमेक्स सीन आता है उनको लेके, वो उतना ज्यादा इंपैक्टफुली वर्क नहीं करता है। वहीं सिर्फ अगर मूवी के क्लाइमेक्स की बात करूँ ना, तो मूवी का फास्ट पेस जो इतना इसको एंटरटेनिंग बना रहा है, इसको इतना बढ़िया तरीके से दिखाता है, वहीं क्लाइमेक्स में प्रॉब्लम भी बन जाता है। मतलब इनको क्लाइमेक्स में बहुत कुछ दिखाना है, मूवी इतनी फास्ट चल रही थी, उन्होंने इतना फास्टली वो सब चीज़ें दिखाई, तो वो उतना इम्पैक्ट आप पे जनरेट नहीं कर पाता है। बट स्टिल मूवी बहुत ही सेटिस्फाइंग है, मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही सेटिस्फाइंग है। एंड आई वुड से कि अगर आप थ्रिलर और हॉरर फिल्म्स के फैन हो ना, तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मूवी बहुत ही बढ़िया फिल्म है, बट ये फिल्म सबके लिए नहीं बनी। अगर आप सिनेमा के फैन हो ना, तो आपको ये जरूर देखनी चाहिए। सो दैट्स इट। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।